तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बातें करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में। चाहे आप हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम एग्जाम डेट को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि यूपी की कोई भी अपडेट होती है किसी भी वैकेंसी की तो हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, यूपी प्लस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम बहुत जल्द अपने चैनल पर क्लासे भी लाने वाले हैं हिंदी और जीएस की, जिससे कि आपके 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स आएंगे, ठीक है, अगर वो क्लासे अगर आप देखते रहते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही स्पीड से हम बहुत सारी मैराथन वगैरह देंगे और डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि साथ ही आपको बता दूं, बहुत ही जल्द हम इसकी क्लासे वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम इसके एग्जाम डेट को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए कहीं ना कहीं चिंतित हैं, जितने भी यूपी प्लस रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। यानी कि जो भर्ती जनवरी 2022 में आई थी, ठीक है, और अभी तो 2023 चल रहा है, लगभग एक साल कह सकते हैं, यानी कि भर्ती को आए हो गया है, ठीक है, एक साल कह सकते हैं। मगर अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियली नोटिस वगैरह जारी नहीं हुआ है कि इसका पेपर हम इतने समय में कर सकते हैं, ठीक है। मगर साथियों, आपको बता दूं, आप चिंतित मत हो, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है। क्योंकि जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली थी वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। मगर साथियों, आपको बता दूं, अगर ये पेपर इसका लगभग मई जून तक होता है यूपी पुलिस का, ठीक है, मई जून तक होता है, तो उससे पहले आपका पेपर होगा, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है। और फिर आपको बता दूं, इसमें प्रोसेस वगैरह में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें 35,000 पद हैं, तो थोड़ा उसमें अभ्यर्थी भी ज़्यादा बैठेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो उससे पहले यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो जाएगा लगभग। साथियों, आपको बता दूँ, फरवरी महीने मानकर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, फरवरी में पूरा अनुमान है आपका पेपर होने का, ठीक है। यानी कि फरवरी में मानकर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे आपको ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर इसमें आपका जो मौका गवा दिया, तो आपको बता दूं, फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है रेडियो ऑपरेटर में। हालांकि 35,000 पद में आपकी जो, यानी कि अगर अभी से तैयारी करते रहते हो, तो 35,000 जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा, जिससे कि अपनी तैयारी वगैरह आपने की होगी तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और साथियों, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये भर्ती इसकी वजह से UPSI और ASI की वजह से कहीं ना कहीं डिले होती जा रही थी, ठीक है। मगर आपको बता दूं, इनकी प्रक्रिया बहुत जल्द खत्म हो चुकी है। अब जो आपका पूरा विभाग का फोकस होगा वो अब इसी पेपर पे होने वाला है, यूपी प्लस रेडियो ऑपरेटर पे, ठीक है। क्योंकि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जो वर्कशॉप की वैकेंसी काफ़ी समय के बाद आई है, तो सबसे पहले इसका पेपर कराया जाएगा, और काफ़ी समय भी हो चुका है इस भर्ती को आए हुए। तो ज़्यादा आप चिंतित मत हो, अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो, क्योंकि जो 400 अंक का पेपर होने वाला है, थोड़ा जो इसका पैटर्न वगैरह UPSI की तरह है, तो पैटर्न वगैरह थोड़ा टफ है। हालांकि इसमें अभ्यर्थी बहुत ही जो फ्रेश अभ्यर्थी बैठेंगे, जितने भी जो SI वाले अभ्यर्थी होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग वगैरह पे चले जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी फ्रेश हैं वो अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छी तरीके से करते रहो, आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है, लगभग फरवरी मानकर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि फरवरी में लास्ट तक या 20 तारीख के बाद कभी भी इसका जो पेपर हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी लगभग, आपको बता दूं, इससे ज़्यादा आगे जाने वाला नहीं। आप सोच रहे हो मार्च या जून चला जाएगा पेपर इसका, सो कुछ नहीं, फरवरी के महीने में आपको या तो पेपर होगा या इसके एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, बस यही बताना था। और साथ में आपको बता दूं, बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर क्लास वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हिंदी GS की जितनी भी क्लासेस होंगी आपको सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।